एक दो टांग वाला तीन टांग पर बैठकर एक टांग खा रहा था, जबकि चार टांग वाला भागा भागा आया, दो टांग वाले से एक टांग छीनकर भाग गया। अब दो टांग तीन टांग से उठकर चार टांग के पीछे भागा। दो टांग ने चार टांग से एक टांग ली और वापस तीन टांग पर आकर बैठ गया। अब आप बताएंगे कि चार टांग कौन है, तीन टांग क्या है, दो टांग कौन है और एक टांग क्या है? हाँ, तुम बता दो। कोई चार टांग वाला जानवर होगा? हैं? नहीं, मैं फिर से पहली सुना दूं। दूसरे को पहले बताने दो। चार टांग वाला शेर है? अच्छा, नहीं। हादिक, तुम बता दो। चार टांग एक नॉर्मल बंदा है जिसको दो टांग है, लेकिन उसका नाम चार टांग है। नहीं, मैं फिर से पहले सुना दूं। नहीं, तुम आप ही फेरी बता दो क्या चीज़ है। अच्छा, क्या कहते हैं, दो टांग वाला मसलन एक बंदा, तीन टांग वाला मसलन एक स्टूल, तो दो टांग तीन टांग के ऊपर बैठा, तो एक बंदा एक स्टूल के ऊपर बैठा, एक टांग खा रहा था, मुर्गी की टांग खा रहा था। मुर्गी की भी हो सकती है और बकरे की भी हो सकती है। हाँ जी, मुर्गी की या बकरे की कुछ भी खा रहा था। टांग खा रहा था। हाँ जी, जबकि जी जबकि चार टांग वाला मसलन एक डॉगी, उसने उसने दो टांग वाले से बंदे से एक मुर्गी की टांग ली और भाग गया। अब दो टांग वाला बंदा तीन टांग वाले स्टूल से उठा और चार टांग वाले कुत्ते के पीछे भाग गया, और फिर दो टांग वाले बंदे ने चार टांग वाले कुत्ते से एक टांग ली और वापस तीन टांग वाले स्टूल के ऊपर बैठ गया। बैठ गया, बड़ा नदीदा था। हाँ जी, वो बंदा दो टांग वाला बहुत ही नदीदा था, जो कुत्ते से लेके दोबारा खाने लग गया। नहीं, वो खाने नहीं लगा, वो बस बैठ गया और फिर पहली खत्म। चलो। अच्छा।